जब फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर आप एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको रास्ते को अख्तियार करेंगे, तो अपने आप मेडिटेशन लग जाएगा। तो उसी में मेडिटेशन कैसे लगे उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट बता रहे हैं आपको। उसमें लॉफिंग, रोलिंग और क्लैपिंग, तीन एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। मार्शल ने पहले कह दिया है कि 20, हमने भी कह दिया 20-25 मिनट बहुत, 20 मिनट बहुत, 15 मिनट बस। तो देखिए अभी आपको ध्यान 2 मिनट भी कराएंगे, लेकिन उसके पहले आपको तीन एक्सरसाइज कराएंगे। रोलिंग अभी दहलना सिखाएंगे, और इधर भी आप उसको थोड़ा अकल लगिए, और हंसना भी सिखाएंगे और क्लैपिंग भी सिखाएंगे। तो इससे आपका ये चेस्ट आपकी हेल्दी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलेगी, क्लैपिंग से सारे पॉइंट होते हैं। अगर जब कोई मेन पॉइंट पे दूं तो धड़ करो आप, ये तो वैसे लोग हैं ना वो नहीं कर पाते। जो क्लैपिंग है उसको ये सारे पॉइंट रिफ्लेक्स पॉइंट जो होता है, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है, रिफ्लेक्स पॉइंट हार्ट के उसमें होता, तो उससे बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। यानी आप नेचर के फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर को आप समझ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर लाफिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसका सबका हार्ट के ऊपर असर पड़ता, पॉजिटिव असर पड़ता है। इससे आपका हार्ट मजबूत होता है और शक्तिशाली बनता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। अगर हार्ट कमजोर होगा तो व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाएगी। सब कुछ हार्ट के ऊपर ही डिपेंड है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो देखिए अब आप सबसे पहले रोलिंग करिए, हमको एक बार देख लीजिए, उधर जाओ पीछे देखिए, दाहिने अरे समाइए नहीं, पिछले से ऐसे करिए, हाथ को ऐसे करिए, खड़े हो जाए ऐसे कि बैठो, ऐसे करिए, हाथ करिए, तीन बार करिए, हाथ किया नहीं बिल्कुल, इधर आइए, अरे आप समझा करो यार ना, आप समझते हो नहीं, करने को भी दो, एक ही तो थोड़ा घुमाते रहो कैमरा, हाँ चलिए, सबका आ रहा है क्योंकि कर हम रहे हैं ना। देखिए रोलिंग है, रोलिंग मतलब दहाड़ना, सेल दहाड़ता है, उससे उसकी छाती कितनी मजबूत होती है, अकेले शिकार करता है, इससे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी देखो मेडिटेशन कराएंगे, अब आपकी रोलिंग हो गई, अब आप लाफिंग करिए, लास्ट
जहां मन आप यहां पे लगाइए जहां बिंदी रखी जाती है, यही पे देखिए कुछ ना कहीं देखिए शरीर आपको कैसे सांस ले रहा है कैसे छोड़ रहा है, बस केवल रील सीख लेते थोड़ा सा रील थोड़ा सीधी कर लो। जहां बिंदी रखी जाती है वहीं मन को लगाइए और कुछ ना करिए, जो आपने तीन क्रिया की है उसका बॉडी पे रिएक्शन हो रहा है और उसका रिएक्शन आपकी रेस्पेक्टिव सिस्टम पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ रहा है जिससे ध्यान ऑटोमेटिक आपका एकाग्र होने लगेगा। इन्हीं सब की वजह से आपका हार्ट हेल्दी होगा। मैनेजमेंट ऑफ हार्ट आपको आज पढ़ा रहे हैं क्लास। दो मिनट चुपचाप बैठे रहिए, ऐसे मन को बस यही लगाइए, देखिएगा आप जीवन में कितनी मानसिक समस्याएं भी हल होगी, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हल होगी। इन सबका संबंध हार्ट से है। मस्तिष्क पर कोई भी नकारात्मक या कोई भी तनाव दबाव चिंता ये सब होने से मस्तिष्क प्रेशर में आ जाए, हार्ट प्रेशर में आ जाता है। रील सीधे रखिए, मन को वहीं लगाए रखिए लेकिन शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए आप कपास के तरीके से और उसी बिंदु को पकड़े रहिए आप। अब सकारात्मक सोचिए कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, हमारा शरीर हल्का हो रहा है, दो मार लेंगे पलकों पर रखिए सही करिए और करिए और करिए। बहुत ही जमीदार परिवार, संपन्न परिवार थे, हमारे साथ को बंद करिए।